नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से। अभी से बस कुछ ही घंटों पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई हैं। 4950 वैकेंसीज की बंपर भर्ती है ये दोस्तों, तो इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल देंगे इस नोटिफिकेशन की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आवेदन करने से पहले आपको जानना जरूरी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल रोजगार अवसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म की तरफ से आ रही है। स्पेशल सर्वे अमीन के लिए बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 4950 वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से जिन भी कैंडिडेट्स ने कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज एज में पूरी रिलैक्सेशन दी गई है। सैलरी की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी दी जा रही है। 31,000 रुपये पर मंथ तो बेसिक सैलरी है, और इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी हैं जिसको मिला देने के बाद यह सैलरी बहुत ज़्यादा आगे जाती है। इन अदर अलाउंसेस के बारे में हम इस वीडियो में आखिरी में आपको बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी है, इस बात को नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी ये नहीं है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट के टेन्योर को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरिट बेस्ड ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसके लिए कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। अगेन, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पर ये सिलेक्शन की जाएगी। 11 मार्च 2019 से इसके लिए आवेदन शुरू होने हैं, अभी इसके लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, और 1 अप्रैल 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, lrc.bih.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आवेदन करने का लिंक और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां पर जाकर के आप डायरेक्टली इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग्स हैं इस नोटिफिकेशन की जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के 4950 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 792, अनुसूचित जनजाति के लिए 50, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 891, पिछड़े वर्ग के लिए 594 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 148 अनारक्षित सीटें रखी गई हैं 1980 और 465 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था। 31,000 रुपये सैलरी रखी गई है, इसके अलावा 4,000 रुपये प्रति माह लैपटॉप के बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। लैपटॉप आपको अपना रखना है, जिसके 4,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा 400 रुपये इंटरनेट चार्जेस भी आपको दिए जाएंगे, और इसके अलावा और भी अलाउंसेज हैं जिनको मिला देने के बाद ये सैलरी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो सैलरी की तरफ से आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन कैंडिडेट्स ने बिहार के सरकारी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है, उनके लिए हर एक सेक्शन के अंदर 40% का आरक्षण दिया जाएगा। यह नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है। 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च 2020 तक का यह टेन्योर है, जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है आगे जाकर के। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप आवेदन करते वक्त आपको यह ध्यान रखने हैं। हालांकि इसके लिए अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब आवेदन स्टार्ट हो जाएगा तो हम दोबारा से एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम आपको एक एक स्टेप क्लियर करके बताएंगे किस प्रकार से आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो हमारे चैनल को बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बीच में आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार आप पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड करके पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।